इनका काम जो है वो बोलता है, रोज इनका एंटी ड्रग्स जो इनकी मूवमेंट है उसमें जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जो हमारे समाज को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके ऊपर कड़ी निकेल कसी हुई है। और इसके साथ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम इनका साथ दें। लाइट चोरी हुई थी, बाबा शिवो के गले में गल्ला ही उठा के ले गए थे, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो है जांच इतनी अच्छी ढंग से नहीं हुई, वो चोरों को बेनकाब नहीं किया गया। हम चाहते हैं कि जनाब उसमें भी थोड़ा इनिशिएटिव लें ताकि जो लोगों की आस्था है वो बरकरार रहे और वो चोर जो इस एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे वो सामने आए। इसके साथ साथ वहाँ पे जो गार्ड है वो परमानेंट गार्ड होना चाहिए, हो सके तो वहाँ पे CRP का हो जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दुनिया हर रविवार और मंगलवार वहाँ पे मेला होता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं। और वहाँ पे देखा गया तो लोग जो एक तरह से सामान चला रहे हैं दूसरी तरह से उठाते जा रहे हैं, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। हम चाहते हैं कि जो भी वहाँ पे मौजूद ड्यूटी में लोग रहते हैं, कोई भी सामान अगर बाहर जाता है तो उसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन हो और उसकी लिस्ट बने कि इतना सामान आया उसका पूरा पूरा हिसाब किताब होना चाहिए। तो ये संभव तभी हो पाएगा जब तक आज तक वो कातिल सामने नहीं आया, जबकि गढ़वाल जी कहते हैं कि हमने CCTV फुटेज दी है, हमने कार कानून दी है। जो काम पुलिस ने करना था वो घर वालों ने करके दिया, फिर उसमें क्या आड़े आ रहा है? क्या आप लोग तैयार हो? मुजरिम सामने आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? जिसने भी ये दुर्कर्म किया हो, वो हम में से कोई भी हो, उसको कदे चित नहीं बख्शिए। SSP साहब, जो हमारी आंसू जो हमारे दिल का रोना है, ये इस एक बाप का नहीं पूरे सुम्बला का। जैसे क्या कमी है हमारे इस इलाके में जो हमारी बच्ची का कातिल सामने नहीं आ रहा? जे हम पूरे सुम्बला की तरफ से दोनों हाथ जोड़ के आपके सामने प्रार्थना करते हैं कि ऐसे मुजरिम को बख्शना नहीं चाहिए। दूसरी पट्टी का कत्ल हो जाएगा तो जिम्मेवार कौन है? हम पुलिस की कार्रवाई पे कोई नजरअंदाज नहीं कर रहे, कई सारी मजबूरियां होती हैं। आप एक रेगुलेशन लाइए, जो भी हो, चाहे वो किसी ऑफिसर का लड़का हो, समाज कह रहा है फिर क्या परेशानी है? हम ये कहते हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए। ये हमारे सुम्बला के ऊपर एक धब्बा है। सुम्बला की पूरी आवाम की तरफ से सारे दिल की गहराइयां ना स्वागत करूं और खुश अमलीद को। नशो एक तो वह चीज है कि ये ना किसे मजहब ना देखे, ना किसे उम्र ना देखे। जानवर स्मगलिंग भी भाई एक ऐसी ही चीज है। बहुत सारा जरा स्मगलिंग भाई भी हुआ, उनको ना कोई मजहब हो है, ना कोई जात हो है, ना कोई बात हो है। स्मगलर चाहे किसी भी कम्युनिटी को है, किसी भी मजहब को है, जनाब में गुजारिश है कि उसके ऊपर बहुत बड़ी कार्रवाई और सरजान उसकी नकेल है जी कसी जाए। कतरूर दे विच मंदिर जे चोरी हुई, फिर एक पढ़ाली दे विच मंदिर जे चोरी हुई, ते उहदे कोल पहले 2005 जे गोन बाबे दा चोरी हुई, बड़ी वड्डी चोरी हुई, जिहड़ा बाबे दा गल्ला भी जिहड़ा चोरी हो चुक्या। ते सारा जिहड़ा चोरी दा काम है उहने लोके दा काम है जिहड़े नशे करदे ने। ये दूसरे दिन फिर लगेगा, तीसरे दिन फिर लगेगा, वहाँ पे जो जो भी रुकावट के कारण है कारण ही दूर कर लीजिए, और वहाँ पे अगर इंक्रोचमेंट हुई है तो इंक्रोचमेंट भी दूर हटाइए, और वहाँ पे अच्छे तरीके से साफ करके ताकि किसी भी प्रकार की समस्या सुम्ब के लोगों को ना आए। रही बात ड्रग्स की, है कि यहाँ की महिलाएं भी जागरूक, महिलाएं तो हर स्थान पे दुर्गा का रूप होती हैं और अच्छी ही होती हैं, कभी ऐसा तो सोच भी नहीं सकते कि उनके विचार सही ना हो और सीधे ना हो, और हमेशा सही ही गाइड करती हैं, लेकिन यहाँ पे अधिक जागरूक हैं। और यहाँ पे एक महिला पंच ने, जैसे श्रीमती ममता देवी जी ने जो यहाँ पे अपना दृढ़ संकल्प दोहराया है, उसमें मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा है कि मैं पुलिस में भर्ती होकर के देश का